नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फबिया अंसारी। इंडियन रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज हित में लगातार पहल की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा भूखे असहाय व जरूरतमंदों को रोटी, कपड़े आदि चीजें जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा पहुँचाई जा रही है। इसी क्रम में शीतलहर के चलते फिरोजाबाद में गुरुद्वारे पर असहाय लोगों को कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर सदर विधायक मनीष असीजा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की इस मौके पर खूब प्रशंसा की। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। आप कब से सेवा कर रहे हैं और सेवा का उद्देश्य जनता को क्या देना चाहते हैं? ये हमने 28 जुलाई को यहीं गुरुद्वारे से ही इसकी इंडियन रोटी बैंक की शुरुआत की थी और हमारा बस यही एक वो है उद्देश्य कि हर जरूरतमंद तक, हर भूखे तक हम खाना पहुंचा सकें और हम इसी प्रकार अपना ये सेवा कार्य कर रहे हैं और हर संडे को हम रोटियों का कलेक्शन करके सब जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाते हैं और आज इसी के ठंड के उसमें देखते हुए सब रोटी बैंक के द्वारा संस्था ने पूरा 200 कंबल और खाने के पैकेटों का सब जरूरतमंद लोगों को आज बांटने का वो किया प्रोग्राम रखा। साथ में हमारे नगर विधायक श्री मनीष असीजा जी इस समय हमारे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम में और हम बस लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक रोटी बैंक हम चला रहे हैं लेकिन आप लोग भी हमारा बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दें, आप लोग भी अनेक रोटी बैंक चलाएँ जिससे कि हमारे शहर में, पूरे देश विदेश में कि कोई भी भूखा ना सोए। ये रोटी बैंक की जो पहल लगातार हमारे शहर के युवा साथियों की चल रही है, प्रांजल जी, गुरुपी जी, सौम्य पालीवाल जी, विकास जी, राघव जी, जीतू गुप्ता जी, सचिन जी और ये सब साथी लोग हैं, सब टीम है। ये लोग प्रतिदिन जो रोटी के लिए एक सेंटर बनाते हैं, वहाँ से रोटी इकट्ठी करके जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। उसी के क्रम में आज इनकी पूरी टीम ने गुरुद्वारे जी के सामने 200 कंबलों का और भोजन के पैकेटों के वितरण का कार्यक्रम किया है और इन्होंने जो भी इस वक्त सर्दी में ठिठुरते हुए गरीब लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं या कोई बुजुर्ग हैं, उन सबको बड़ी ही विनम्रता के साथ सर्दी के बचाव के लिए कंबल अर्पित किए और उनको भोजन के पैकेट दिए। युवा टीम के सभी साथियों को मैं ये पहले भी एक दो बार इनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, मैं कह सकता हूँ जो इनका जज्बा है उनका बगैर ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला के, बगैर ज़्यादा किसी दिखावे के, ये लोग बहुत सीधे सीधे मानव की, मानवता की सेवा करते हैं। इसके लिए मेरे पास इनके प्रति शुभकामनाएँ और आशीर्वाद से बढ़कर और क्या मैं कह सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।